नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल कनक ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके सारे परिंदे भी अच्छे होंगे। तो भाई, आज इस बारे में बात करें कि जो मेरे घर का एक पुराना अंबरसर नर है और वो सुबह थोड़ा सा सुस्त लग रहा था, तो हमको लगा कि इसको थोड़ा सा ठंडी उंडी लग गई होगी, तो उसको जल्दी से मैंने, तो आज संडे का दिन है तो आज सुबह जो थोड़ा सा धूप भी निकल आई थी, हल्की फुल्की धूप निकली है, तो उसको अगर ठंडी लगी है तो मैंने उसको अलग कर दिया है। और क्योंकि हमारे लॉफ्ट में धूप आने की व्यवस्था नहीं है इतनी, तो उसको अलग से धूप देने की मैंने व्यवस्था कर दी। उसको निकाल के जो है मैंने दूसरे पिंजड़े में शिफ्ट कर दिया ताकि वो थोड़ा सा धूप ले सके। और ये देखिए, ये वाला नर है, ये वाला। जब सुबह मैं दाना देने आया, मैं 7:30 बजे इनको दाना दे देता हूँ, तो सुबह जब आया तो देखा भाई कुछ सुस्त पड़ा हुआ था, तो मैंने जल्दी से किया कि इसको जल्दी से हम जो है इसको धूप दिखा देते हैं ताकि धूप में थोड़ा अच्छा से रहे। और अभी तो थोड़ा सा एक्टिव लग रहा है, ये देखिए। थोड़ा सा एक्टिव लग रहा है, जैसे धूप मिली है ना, थोड़ा सा गर्माहट शरीर को मिली होगी, तो ये थोड़ा सा एक्टिव हो गया है। और इसके लिए हम मादी ढूंढ रहे हैं, लेकिन मादी मिल नहीं रही है इसके टक्कर की भाई। तो अब तो 1-2 घंटे इसको हम धूप दिखाएंगे और इसके बाद इनको फिर वहीं पे हम कर देंगे। और ये मेरा जो ललदुमा पट्टा है, ये भी लगभग सही होने के कगार पे आ गया है और फिट है। इसको थोड़ा बाहर निकाल के दिखाते हैं, आप लोग को अच्छे से शौक कराते हैं। इतना तेज है भाई कि इसको हाथ नहीं लगा सकते हो, बीमार होने के बावजूद भी इतना तेज है कि इसको हाथ नहीं लगा सकते हो। तो इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं हम, देखिए इतनी तेज भगा। और ऐसे इसका जो बाप है वो भी ऐसे ही बहुत तेज है, उसके आसपास आइए तो इतना तेज उछलता है कि उसको आप पकड़ नहीं पाओगे। मतलब इतना तेजी है इन कबूतरों में, ऐसे ही होते जो अच्छे कबूतर होते हैं उनमें यही सब चीज़ें होती है और यही सब चीज़ें देखी भी जाती हैं कि कबूतरों में तेजी होनी चाहिए। और नस्लदार कबूतरों में यही होता है कि भाई वो हर चीज़ से चौकन्ने रहते हैं, अपनी छत के अलावा दूसरे छत पे बैठते नहीं हैं, तो ये सब क्वालिटी उनके जन्मजात मिलती है, उनको उनके ब्लड में ये सारी क्वालिटी रहती हैं। तो हम भी अभी प्रिपरेशन करेंगे कि आप भी जो भी कबूतर लें तो भले 1-2 पालें, लेकिन अच्छा पालें कबूतर, क्योंकि दाना भी इतना महंगा हो रहा है कि आप बेवजह घर पे छत पे अपनी भीड़ ना लगाइए कि 1000 रंग के कबूतर पालिए। मेरे पास अंबर सरे और फुल सरे कबूतर हैं, और बाकी ये आपकी ललदुमा बच्चा निकला, तो सोचेंगे कि हम जल्दी इसी से आगे की नस्ल बढ़ाएं और अच्छे अच्छे बच्चे हम जल्दी से जल्दी बना लें। तो अगर आपको, और आज हमने थोड़ा सा दाना लिया है, थोड़ा मार्केट से मैंने अलग अलग दाना लिया है और सब 30 रुपये पर केजी पे पड़ा हुआ है। जितना भी दाना, गेहूँ, चावल, गेहूँ, ये बाजरा हुआ, ये सब 30 रुपये में पड़े हुए हैं, तो सब मैं अलग अलग ले लेता हूँ, उसके बाद मिला देता हूँ। क्योंकि वहाँ से अगर मार्केट से मिक्स बाजरा लेते हैं तो थोड़ा सा गंदगी आ जाती है, उसमें गंदा दाना रहता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।